हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी भी अच्छी चल रही है। तो इससे पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स, मैंने जो वो वॉइस ओवर किया था तो उसमें बहुत ही कम आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी कहना चाहूँगी। फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4 बजे से। मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं डेली 4 AM पे ही उठूँगी, और उसके बाद मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। तो मैं अभी पढ़ने के लिए बैठी हूँ। तो मैं आज सबसे पहले मैथ्स में फॉर्मूला रिवीजन करने के लिए बैठ गई हूँ। मेरी शक्ल देख के फ्रेंड्स आपको पता चल रहा होगा कि मैं बहुत नींद में हूँ। मतलब मुझे बहुत नींद आ रही है, क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद सुबह 4 AM पे उठी हूँ, वरना मैं 5 AM पे उठती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि उससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए मैं उनको लिख लिख के लर्न कर रही हूँ। और मैं कोई भी चीज़ जब मुझे लर्न करनी होती है तो फिर मैं उसे पेन से बार बार रजिस्टर में लिखती हूँ, ताकि वो मुझे अच्छे से लर्न हो जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे 5:16 का टाइम हो गया है, तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आपको कि आज मैं किचन में आने से पहले ही मैंने नहा लिया है, फ्रेश हो लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं किचन का काम करने के लिए रख दिया है, और इसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे रोज़ की तरह आज भी टिफ़िन पैक करना है। तो आज मैं, अभी टाइम हो गया है 6, तो आज मैं बना रही हूँ पोहा और नमकीन की सब्ज़ी, क्योंकि नमकीन की सब्ज़ी मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और आज मैं जल्दी उठी थी, तो इसीलिए मुझे भूख भी जल्दी लगेगी, तो इसीलिए मैं आज नाश्ते में पोहा बना रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम स्टडी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद के ऊपर ध्यान ना दें, हमें अपने ऊपर भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे रह रहे हैं। क्योंकि हम अभी तो अपना ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन बाद में इस चीज़ को लेके हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि पहले मैं ऐसा कर चुकी हूँ, मतलब मैं 1 साल तक मैंने पहले नोट्स ये सब मेरे जो बने हुए हैं ना, ये सब अभी थोड़े टाइम पहले के ही हैं। क्योंकि मैं पहले सिर्फ और सिर्फ इसी में ध्यान देती थी कि बस कैसे भी करके मैं स्टडी को पूरा कर लूँ, बस मेरा जो, यहाँ तक कि फ्रेंड्स मैंने अपने मेरे जो फ्रेंड्स थे कॉलेज के, उनसे बात करना, मतलब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ अपने घर पे भी मैं खुद आगे होके फ़ोन करना बंद कर दी थी, वो खुद ही मुझे फ़ोन करते थे, बस तभी मैं उनसे बात करती थी, बाकी मैं खुद कभी आगे से नहीं करती थी। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, जो मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया है, और साथ में मेरा बेटा भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है, क्योंकि उसको स्कूल के लिए मैंने रेडी कर दिया है, और अब उसको स्कूल जाना है, उसका वैन आने वाला है, तो इसीलिए हम दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके जाने के बाद फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट के लिए, और इसमें मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैं भारत में परिवहन पढ़ रही हूँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। तो मैंने उस नोट्स बनाए थे क्रेजी जीके ट्रिक का, मैं आपको बता रही थी, लेकिन फ्रेंड्स मैंने उसका वीडियो देखा तो उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा था। तो फिर मैंने और सर्च किया, तो मुझे अंकिता ढाका मैम का एक वीडियो मिला, तो मैंने उसी से नोट्स बनाए। उन्होंने बहुत डीप में पढ़ा रखा है, और फ्रेंड्स किसी भी टॉपिक को बार बार नहीं पढ़ना चाहिए, हमें एक ही बार ऐसे नोट्स बनाने चाहिए कि वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसको टारगेट कर सके हम उस नोट्स को पढ़ के। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं मैंने, और सड़क परिवहन के तो मैंने नोट्स बना लिए हैं, बाकी आगे मैं नेक्स्ट सेशन जब लूँगी उनका तब बनाऊँगी, क्योंकि वो सड़क परिवहन रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही इतना बड़ा है कि उसको ही लर्न करने में मुझे 2 से 3 डेज लग जाएंगे। उसमें बहुत सारे कॉरिडोर्स इन सब के बारे में बता रखा है कि इंडिया में कितने कॉरिडोर्स हैं, 11 कॉरिडोर्स हैं इंडिया में, बाकी बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी बता रखा है। और फ्रेंड्स अब टाइम हो गया है 9:24, तो अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपने ज्योग्राफी के जो मैंने अभी करंट नोट्स बनाए हैं वो दिखाना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितने सारा लिखवा रखा है उन्होंने,
मतलब लिखा तो मैंने ही है पर उसी में से लिखा है, तो मतलब उन्होंने कितना डिटेल में पढ़ा रखा है और ये टॉपिक ही ऐसा है, वो डिटेल में पढ़ाना उनकी मर्जी नहीं है फ्रेंड्स, पर अच्छा पढ़ा रखा है उन्होंने, बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 9:26, तो अभी मैंने लगभग 1 आवर का स्टडी किया है। उसमें मैंने भारत में परिवहन वाले नोट्स जो मैंने उस दिन बनाए थे उनको रीड किया है। बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स, उसको समझने में और लर्न करने में और टाइम देना पड़ेगा मुझे लगता है। लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत अपना बेड वगैरह अरेंज करूँगी और फिर उसके बाद वापस से जाऊँगी स्टडी के लिए। और वो जो नोट्स है वो मैंने अंकिता ढाका मैम से बनाए, उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने नोट्स भी बहुत अच्छे हैं बनवाए, इसीलिए अगर आप भी उनसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। उन्होंने BRO के बारे में बताया है और उन्होंने BRO की 1960 में उसकी स्थापना हुई थी, इसके अलावा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके बारे में बताया है कि 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और 1998 में इसने काम करना चालू किया था, मतलब नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पे काम करना इसने 1998 में चालू किया था। और हरित राजमार्ग योजना है जो वो 2015 में लागू हुई, और उसमें जो आपने देखा होगा ना रोड में बीच में पेड़ पौधे लगे होते हैं और साइड में भी पेड़ लगाए जाते हैं बड़े बड़े, वो इसी योजना के तहत आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपना बेड अरेंज कर लेती हूँ फिर उसके बाद वापस से स्टडी करने जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना बेड अरेंज करने आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि मैं पहले मतलब फ़ोन पे बात भी नहीं करती थी किसी से, पर फ्रेंड्स ये सब मतलब हमें कंट्रोल करना चाहिए, पर इतना भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि हम बिल्कुल अकेले ही हो जाएं। और इस वजह से मैं एकदम अकेली हो गई थी, यहाँ तक कि मैं डिप्रेशन में भी जाने लगी थी कि मतलब मैं किसी से भी बात नहीं करती थी ज़्यादा, बस इसी काम में लगी रहती थी। और अगर हम एक ही काम को करते रहते हैं तो और किसी से ना बात करते हैं ना हमारा मन हल्का करते हैं, तो फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इसीलिए हमको पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी करना चाहिए, घूमना भी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब वीक में एक बार अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बाहर भी जाना चाहिए और रोज़ अपने लिए 1 आवर तो निकालना ही चाहिए, ताकि हम उस 1 आवर में खुद को दे सकें, खुद की पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सकें। क्योंकि फ्रेंड अगर हम ये सब करके हम जॉब तो पालेंगे, लेकिन अगर हमारा हेल्थ ख़राब हो गया तो फिर बाद में हम उसका क्या करेंगे, क्योंकि वो अगर एक बार ख़राब हो जाता है तो वो कभी ठीक नहीं होता फ्रेंड्स। इसीलिए हमें अपनी हेल्थ पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए साथ साथ, क्योंकि मैंने ये सब करके देख लिया है तो इसीलिए अब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। तो अब मैं अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देती हूँ और अपनी स्टडी पे भी, चाहे मैं थोड़ी 1 आवर कम स्टडी कर लूँगी मगर मैं अब सब चीज़ों पे इक्वल ध्यान दे रही हूँ। फ्रेंड जिसके घर में बच्चे हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं, वो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि यही एज है जब हम उनके माइंड को उस तरीके से सेट कर सकते हैं कि उनको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। पर अगर हम अभी उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो कुछ अच्छा नहीं सीख पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने के लिए और ये मेरे ग्रामर के नोट्स हैं। ग्रामर मैंने ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, बट नाउन और प्रोनाउन के नोट्स बना रखे हैं, तो मैं उनका रिविज़न करूँगी आज। उनका रिविज़न करने के बाद एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें इसके जो एरर हैं नाउन के वो सॉल्व किए थे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से मोटिवेशन मिलता है तो आप मुझे भी मोटिवेशन दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके, क्योंकि मैं तभी आगे वीडियो बना पाऊँगी फ्रेंड्स, वरना फिर मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें अपना
टाइम वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि फिर जब कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब है। तो बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर करना।